गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर एस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए बागवानी क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की है। इसके ऑप्शंस हैं 2000 करोड़, 2250 करोड़, 5000 करोड़, 3524 करोड़। इसका राइट आंसर है 2250 करोड़। कृषि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी क्षेत्र के लिए 2250 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसका उद्देश्य है वित्त वर्ष 21-22 में बागवानी क्षेत्र को विकसित करना, किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करना। सरकार के हस्तक्षेप ने बागवानी क्षेत्र को भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ाने की मदद की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर मोरेना, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश, और राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, ये राज्यसभा के सदस्य हैं गुजरात से। इसके अलावा कैलाश चौधरी बाड़मेर राजस्थान से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश ने पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समिति बैठक की मेजबानी की है। इसके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, रूस, भारत, चीन। इसका राइट आंसर है भारत। भारत देश ने पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समिति बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक की अध्यक्षता अपूर्वी चंदा ने की है जो कि सचिव हैं। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के अलावा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स इसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे देश आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से बैंक ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट में डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। इसके ऑप्शंस हैं IDBI, ICICI, एयरटेल पेमेंट बैंक, वोडाफोन पे। इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट में डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। RBI के दिशा निर्देशों के अनुरूप एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपनी बचत सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना January 2017 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और इसके MD एंड CEO हैं अनुतात विश्वास। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, IOB को भारत सरकार द्वारा कितनी राशि के निवेश के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिली। इसके ऑप्शंस हैं 5000 करोड़, 4500 करोड़, 4100 करोड़, 5400 करोड़। इसका राइट आंसर है 4100 करोड़। IOB को, जो IOB है यह इंडियन ओवरसीज बैंक, को सरकार द्वारा 4100 करोड़ की राशि के निवेश के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिली है। पूंजी डालने के बाद IOB में भारत सरकार की हिस्सेदारी 95.84% से बढ़कर 96.38% हो गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुई। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। के MD एंड CEO हैं श्री प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। इसके ऑप्शंस हैं KP शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी, प्रचंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है। यह उनका रीअपॉइंटमेंट है और ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने PM बनाया गया क्योंकि विपक्षी दल है जो कि उनके पास नई सरकार बनाने के लिए सदन में बहुमत सीटें हासिल करने में वे लोग विफल रहे थे। सदन में 275 सदस्य हैं जिनमें 165 सिंगल मेंबर
कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं और 110 एक आनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने गए हैं। और जो द्वितीय सदन के निचले सदन में नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र के पास 61 और 49 सीटें हैं। और जो जनता समाजवादी पार्टी के निचले सदन में है वहां पर 32 सीटें हैं। नेपाल में जो ये प्रधानमंत्री बनने का जो ये तरीका इजाद किया गया है ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूएंशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं वो इस पद से हट चुके थे, वो अपना विश्वास मत खो चुके थे, लेकिन विपक्षी लोग थे वो एक नई सरकार नहीं बना सके, इसकी वजह से ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वैसे ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नेपाल की जो करेंसी है नेपाली रुपया, राजधानी काठमांडू, अब प्रधानमंत्री वही वापस केपी शर्मा ओली बन गए हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने COVID-19 से संबंधित सहायता को ट्रैक करने के लिए कौन से पोर्टल की स्थापना की है? इसके ऑप्शंस हैं कोविन, आरोग्य सेतु, को एड, माई गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर है को एड। नीति आयोग ने COVID-19 से संबंधित सहायता को ट्रैक करने के लिए कोविड पोर्टल की स्थापना की है। इसका उद्देश्य है मिशनों और व्यक्तिगत संगठनों के माध्यम से आने वाली सभी राहत सहायता को ट्रैक करना। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। इसके CEO है अमिताभ कांत, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, महिला रग्बी विश्व कप 2022 कौन सा देश आयोजित करेगा? इसके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, भारत, वेस्ट इंडीज, चीन। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड करेगा, मतलब मेजबानी करेगा। यह 8 अक्टूबर 2022 से लेकर 12 नवंबर 2022 तक चलेगा। यह 2021 में आयोजित किया जाना था लेकिन COVID-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया था। मैनचेस्टर सिटी, इसके अलावा जो मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर 2020-21 प्रीमियर लीग जीता है। इसके अलावा कजाकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी रोमन खसानोव पर भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल का प्रतिबंध भी लगा है। ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य है। कोवैक्स COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एसेस गठबंधन में शामिल होने से पंजाब को COVID-19 वैक्सीन की कमी को दूर करने और सर्वोत्तम प्राइस पर टीके की खरीद में मदद मिलेगी। अब ये कोवैक्स है क्या? कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है COVID-19 टीके को विकसित और निर्माण में तेजी लाना और दुनिया भर के हर देश में फेयर प्राइस पर इसकी सप्लाई करना, कोरोना की वैक्सीन की, जो कि बहुत ही गरीब देश हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें लगभग 180 देश शामिल हैं और इसमें जो लीड कर रहे हैं उस संगठन वो है CEPI, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशंस, और इसके अलावा GAVI अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनेशंस, इसके अलावा WHO और यूनिसेफ। इसके अलावा जो पंजाब के जो CM है अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर, राजधानी है चंडीगढ़। इसके अलावा पुडुचेरी हर घर जल का है 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ पर अकेले केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर तो पहले स्थान पर गोवा, सेकंड पर तेलंगाना, थर्ड पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथे स्थान पर है पुडुचेरी। इसके अलावा महाराष्ट्र के CM इन्होंने COVID-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की है। फ्रेंड्स कहने को कुछ भी है लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही कमज़ोर है, वो कोलैप्स हो चुका है, ऑक्सीजन की कमी है। अब आगे पता नहीं क्या करेंगे लेकिन अभी के लिए
ऑक्सीजन की कमी है और लोग मर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑक्सीजन की पूर्ति बड़े लेवल पर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।